दिल्ली में सिविल डिफेंस में कार्यरत राबिया सैफी की हत्या के बाद लगातार आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए मांग की जा रही है। मुरादाबाद के नागरिक सुरक्षा कोर सिविल लाइन प्रभाग की ओर से मानसरोवर कन्या इंटर कॉलेज में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कराया गया, जिसमें राबिया सैफी को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ सरकार से मांग की गई है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नागरिक सुरक्षा सिविल लाइन प्रभाग की तरफ से मानसरोवर कन्या इंटर कॉलेज में मंगलवार को दिल्ली में कार्यरत सिविल डिफेंस कर्मी राबिया सैफी की हुई निर्मम हत्या को सिविल डिफेंस के वार्डन्स ने बेहद शर्मनाक और बेहद दुखद विषय बताया। इस अवसर पर एक शोक सभा आयोजित की गई तथा कैंडल जलाकर मृतक राबिया सैफी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए गहरा रोष प्रकट किया गया। इसके साथ ही सिविल डिफेंस के कर्मठ वार्डन्स अक्रम शमसी, राकेश बहादुर, सुनील रस्तोगी, पीपी सिंह, नवनीत जैन, जेपी भटनागर को भी कोरोना से मृत्यु होने पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा सभी मृतक आत्माओं के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इस अवसर पर सुरेंद्र प्रकाश गुप्ता, विचित्र कुमार शर्मा, डॉक्टर राकेश जायसवाल एडवोकेट, जसवंत कौर, सलीम कारी, शाहनवाज अख्तर, दिलफराज, अनुभव गुप्ता, परवेंद्र सिंह, राजीव विश्नोई आदि उपस्थित रहे। नागरिक सुरक्षा संगठन मुरादाबाद सिविल लाइन प्रभाग की ओर से आज राबिया सैफी, जो दिल्ली में कार्यरत हमारी सिविल डिफेंस की एक सहकर्मी थी और उसकी एक निर्मम हत्या हो गई। साथियों, पूरे नागरिक सुरक्षा परिवार को बहुत गहरा दुख है कि हमारे नागरिक सुरक्षा संगठन के परिवार की एक साथी इस प्रकार निर्मम हत्या हो जाना बहुत दुख का विषय है। मेरी ओर से सरकार को मैं अपनी ओर से और अपने साथियों की ओर से निवेदन करना चाहता हूं कि नागरिक सुरक्षा संगठन का एक एक स्वयंसेवक बहुत महत्वपूर्ण अनमोल मोती है। अपनी जान को हथेली पर रखकर वो जब शहर में निकलता है, अपने शांति और सौहार्द के लिए निकलता है, तो आप जान सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाता है। मेरा अनुरोध है सरकार से, प्रशासनिक अधिकारियों से, कि नागरिक सुरक्षा संगठन के प्रत्येक स्वयंसेवक की सुरक्षा हेतु कुछ ना कुछ, कोई ना कोई नया कानून बनना चाहिए, कोई उपाय होना चाहिए ताकि नागरिक सुरक्षा का प्रत्येक स्वयंसेवक सुरक्षित रह सके और एक अपने कार्य को, अपने जुनून भरे कार्य को, अपनी सेवाओं को अंजाम दे सके। हमारे आज मुरादाबाद के भी कई नागरिक सुरक्षा संगठन के जो हमारे साथी थे, उन्होंने वैश्विक महामारी में हमने उन लोगों को खोया है और ऐसी विषम परिस्थितियां थी कि हम एक साथ मिलकर बैठकर भी उनका दुख बयां नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में बहुत दुख होता है जब अपना एक साथी कोई अपने साथी साथ से निकलता है। साथियों, मैं समस्त नागरिक सुरक्षा परिवार की ओर से शोक व्यक्त करता हूँ उन सभी साथियों के लिए, चाहे हमारे चीफ वार्डन हो, चाहे हमारे पोस्ट वार्डन हो, चाहे हमारे नवनीत जैन जी हो या अन्य हमारे साथी हों, अधिवक्ता हों, जो हमारे नागरिक सुरक्षा में शामिल रहे हैं, उन लोगों ने हम लोगों का साथ छोड़ा है, उन लोगों के प्रति भी आज मैं ये शोक व्यक्त करता हूँ और सरकार से अनुरोध करता हूँ, अपने अधिकारियों से अनुरोध करता हूँ कि नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवकों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा ठोस कदम उनकी सुरक्षा के लिए उठाया जाए ताकि वो निसंकोच भाव से ये सेवाएं कर सकें।